प्रदेश में संस्कृत शिक्षा, वेद विद्यालयों के संरक्षण और गो उत्पादों को घर घर पहुंचाने वाले रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज शुक्रवार सुबह ब्रह्मलीन हो गए। शुक्रवार तड़के बाथरूम में दिल का दौरा पड़ने पर राघवाचार्य को उपचार के लिए सीकर लाया गया। यहां महाराज ने आखिरी सांस ली। महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार मिलने पर राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी, हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित सैकड़ों लोग रेवासा पीठ पहुंच गए। साधु संत, शिष्य और ग्रामीणों की सहमति से तय किया गया कि राघवाचार्य का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 9 बजे रेवासा गांव में होगा। इससे पहले महाराज की पार्थिव देह दर्शनों के लिए मंदिर और गौशाला में रखी गई। महाराज अग्रपीठाधीश्वर जगत गुरु श्रीमान राघवाचार्य जी महाराज का गोलोक धाम गमन हमारे लिए अत्यंत अपूर्णीय क्षति और हमारे बहुत बड़ा सदमा है। महाराज ने न केवल व्याकरण और संस्कृत में अखिल भारतीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वरन उन्होंने सारे हिंदुस्तान में और राजस्थान में वेद विद्यालयों के स्थापन, गौशालाओं का संरक्षण और गौ संवर्धन के साथ साथ रेवासा पीठ का पूर्ण उद्धार किया और उनके आशीर्वाद से रेवासा गांव की भी वृद्धि हो और रेवासा पीठ की भी और अधिक वृद्धि हो, यही कामना है। जय हरिस्मरण। अनुमान नहीं, कोई उसके बराबरी नहीं। तो हम सब अखिल भारतीय संत समिति की ओर से और संपूर्ण भारत की भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे परम पूज्य देवलोक गमन जो रेवासा महाराज जी, उनके चरणों में हम लोग शत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके दिए हुए मार्ग को, उनके दिए हुए ज्ञान सत्संग को, उनके दिए हुए सत्संग के माध्यम से हमारे प्रवचनों को, जो मार्गदर्शन उन्होंने हम सबको प्रदान किया है, उस पर हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सबकी ओर से। जय सिया। राघवाचार्य का जन्म 8 सितंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के विरखेड़ा गांव में हुआ। श्रीराम संस्कृत महाविद्यालय जानकी कुंड चित्रकूट से संस्कृत व्याकरण की प्रारंभिक पढ़ाई की। 1970 से 1981 तक वाराणसी में वेदांत विषय का अध्ययन पंडित श्रीराम पांडे और पारसनाथ द्विवेदी के सानिध्य में किया। 1981 में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी ने राघवाचार्य महाराज को गोल्ड मेडल दिया। इसी साल अखिल भारतीय संस्कृत वाक्पटुता प्रतियोगिता में भी उन्होंने स्वर्ण जीता। पर केवल शरीर गया है, सूक्ष्म रूप से हम सब मान रहे हैं कि पूज्य चरण राघवाचार्य जी महाराज अपने बीच, अपने मन में और अपने सारे कण कण में समाये हुए हैं। सारा संत समाज, सारा सनातन समाज, हिंदू समाज सब गमगीन है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सबकी आँखों में आंसू है। ये एक अपूर्णीय घटना है जो हम सभी अनुयायियों के लिए बड़ी दुखदायी की बात है। वैष्णव जगत में सनातन धर्म के लिए आपने पूरा जीवन अर्पण किया, राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर आपने पूरे शिखर शिखावाटी पूरे भारतवर्ष में एक अलग जगाया, और भगवान से प्रार्थना करें कि पुण्य आत्मा को राम भगवान प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्वयं महाराज जी तो भगवान के स्वयं पार्षद थे। माँ जानकी जी की बड़ी कृपा रही। तो आप सबसे मेरा जय श्री राम। हमारे गांव एक अनाथ हो गया। महाराज श्री ने गांव के लिए और हमारे गांव का पूरे हिंदुस्तान में नाम करने का और इस रामानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज गांव में बहुत बड़ी दुखी घटना है, गांव बड़ा दुखी है। हमारे गांव में जब महाराज श्री ने गद्दी पर बिराजे, तब से लेकर हमारे गांव का विकास, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र में महाराज श्री ने बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम सब दुखी हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वर्ष 1983 में शालिग्रामाचार्य महाराज से राघवाचार्य ने दीक्षा ली। इसके बाद 25 फरवरी 1984 को उन्हें रेवासा पीठ की जिम्मेदारी दी। महंत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने उनकी वसीयत भी पढ़कर सुनाई। महंत राघवाचार्य ने वृंदावन के संत राजेंद्र दास देवाचार्य मलूक पीठाधीश्वर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। इसी रेवासा धाम में गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य रचना की थी।
राघवाचार्य महाराज राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने वेदाश्रमों की स्थापना पर सबसे ज्यादा फोकस किया था। रेवासा वेद विद्यालय में वेदों की शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट इंडियन आर्मी से लेकर कई बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल कार्यकारिणी में सदस्य रह चुके हैं। वहीं राम जन्मभूमि उच्चाधिकार समिति में भी सदस्य की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पूज्य संत रेवासा अग्र पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 राघवाचार्य महाराज के देवलोक गमन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका।